नमस्कार, गुड्डी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं 5 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको फॉलो करके आप अपनी कुकिंग की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आइए अब हम अपनी 5 टिप्स एंड ट्रिक्स को बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो आइए अब हम अपनी 5 यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स को बनाना शुरू करते हैं। जब आप कोई भी परांठा, चाहे मेथी का परांठा, चाहे गोभी, आलू, मूली का स्टफ परांठा बना रहे हो, एक बार सूखे आटे में डालकर फिंगर से आप उसको एक सार कर लीजिए और एक दो बार उलट पुलट करके इसको सूखा आटा लगा लीजिए। और इसके बाद अब जब हम इसको बेलेंगे हल्का सा, एक वैसे तो हमें इसे दोबारा सूखा आटा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ भी जाए तो इस स्टेज पर हमने अपनी रोटी को उठाकर सूखे आटे के डिब्बे में नहीं डालना, वरना बहुत सा सूखा आटा लग जाता है। चकले के चारों तरफ भी सूखा आटा रहता है और तवे के चारों तरफ भी सूखा आटा रहता है। इस स्टेज पर आप अपने हाथ को लीजिए, सूखे आटे में डालिए और बस इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस कर दीजिए। और ऐसा ही हम अपनी रोटी की दूसरी साइड करेंगे, हाथ को सूखे आटे के डिब्बे में डालकर इसके ऊपर हल्का सा कर दें। अब हम जब रोटी बेलेंगे तो रोटी बिल्कुल सही ढंग से बेल जाएगी और सूखा आटा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। और रोटी को जब हम उठाकर दोबारा सूखे आटे में डालते हैं तो रोटी टूट जाती है। आपको मेरी ये छोटी सी एडवाइस कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या आपकी गेहूं के आटे की मेथी वाली रोटी बनने के बाद हल्की सी टाइट हो जाती है, चबाई नहीं जाती? तो आप गेहूं के आटे में अन्य मसाले डालने के साथ जब आप इसमें बारीक कटी हुई मेथी को डालेंगे, मेथी डालने के साथ जितना आप गेहूं का आटा ले रहे हैं उसका 1/4 हिस्सा आप मकई का आटा साथ में डाल दीजिए और गूंथ लीजिए, तो आपकी गेहूं के आटे वाली मेथी की रोटी एकदम से सॉफ्ट बनेगी। साथ ही साथ बच्चे मक्की का आटा नहीं खाते, इसी बहाने उनको पता भी नहीं चलता और वो मकई का आटा खा लेते हैं। आपको मेरी ये सिंपल सी एडवाइस कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पैटीज या टिक्की एक ही चीज़ के दो नाम हैं। पैटीज में पैटी हल्की सी कम ब्राउन होती है और टिक्की थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन कर दी जाती है। दोनों को बनाते समय अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि आपकी पैटीज या टिक्की फटती क्यों नहीं है। हमारी पैटीज या टिक्की तवे पर जाते ही अलग अलग हो जाती है। इसका बहुत सीक्रेट सा जो पॉइंट है ना, वो ये है कि हमें आलू कैसे उबालने हैं। दूसरा, आलू जो होते हैं वो थोड़ा बहुत मौसम के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कुछ आलू को उबालने के बाद वो बिल्कुल ढीले से हो जाते हैं, कुछ थोड़े टाइट रहते हैं। यदि मौसम के अनुसार आलू उबलने के बाद हल्के से पतले हो जाते हैं, पानी पानी लगता है, तो उसके अंदर आप ब्रेड क्रम्स ज़्यादा डालिएगा तो टिक्की या पैटीज ठीक बनेंगी। आलू उबालते समय 3 बातों का खास ध्यान रखना है। नंबर 1, आलू जैसे ही उबले उसी समय कुकर से बाहर निकाल दीजिए। कुकर के अंदर अगर आप आलू रखोगे तो आपके आलू पानी पी जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी पैटीज ठीक नहीं बनेगी। नंबर 2, आलू को हमने सिर्फ गलाना है, इतना नहीं उबालना, ओवर बॉयल नहीं करना कि ये 2 हिस्सों में फट जाए। अगर आलू 2 हिस्सों में फट गया तो ये पानी पी जाएगा, जिसकी वजह से भी हमारी पैटीज जो है ना ठीक नहीं बनेगी। और नंबर 3, आलू को रात को उबालकर ठंडा करके, अगर सर्दी का मौसम है तो बाहर रख लीजिए, अगर गर्मी का मौसम है तो फ्रिज में रख दीजिए। एकदम आलू उबाले
और पैटिस बनाई तो आपकी पैटिस ठीक नहीं बनेगी। आप देख लीजिए हमारे आलू बिल्कुल सूखे हुए हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। मटर पनीर की सब्जी बनाते समय यदि आप चाहते हो कि आपके मटर बिल्कुल हरे हरे बने तो मटरों को हल्दी के साथ कम से कम उबालें। इसके लिए आपको क्या करना है, मटरों को उबलते हुए पानी में डालकर केवल 2 मिनट तक ढक कर पकाना है। इसी स्टेज पर हमारे मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके बाद पूरे मसाले को बिल्कुल तैयार करने के बाद हम अपने उबले हुए मटर डाल देंगे। इस तरह से बनाने से मटर एकदम हरे रहते हैं, पूरे गले हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सब्जी का रंग बहुत सुंदर आता है। आपको मेरी ये छोटी सी एडवाइस कैसी लगी, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। भरवीं और तली हुई हरी मिर्च चाहे हमें नाश्ते में मिले, चाहे दोपहर के खाने में, चाहे रात के खाने में, हमारे खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि मसाला भरने के बाद मिर्च से मसाला गिरता रहता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मिर्च में चीरा हम नीचे का 1/2 इंच छोड़ कर देंगे। पूरी मिर्च में चीरा नहीं देंगे तभी हमारा भरा हुआ मसाला निकलता है। बस इतना सा हमको चीरा देना है, बाकी के हिस्से में हमको चीरा नहीं देना। बहुत छोटी सी बात है। आपको मेरी ये एडवाइस कैसी लगी, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।